लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दुनिया की दूसरी कौमों और मुसलमानों के दरमियान खुशी मनाने का भी एक तरीका है और गम मनाने का भी एक तरीका है। ईद के दिन बहुत सारी वो चीज़ें जो और दिनों नहीं की जाती, इस्लाम ने ईद के दिन उसकी छूट दी है, इजाज़त दी है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी ग़ुलामों को मदीना मुनव्वरा के अंदर खेल करते हुए, करतब दिखाते हुए उनको इजाज़त अता फरमाई है कि तुम ये कर सकते हो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये हबशी करतब दिखा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चुप रहो, आज ईद का दिन है। कोई दफ बजा करके खुशियों के गीत गा रहा था, किसी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये बच्चे दफ बजा रहे हैं और खुशियों के गीत गा रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, इन्हें खुशियों का इजहार करने दो क्योंकि ये हमारी ईद है। यानी ईद के दिन इजहार खुशी के कुछ तरीके बताए गए हैं। दस्तरखान को वसी करना, इसी तरीके से हमें देखकर किसी को महसूस हो कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आप देखें, महीने भर रोजे रखे, लेकिन इस्लाम कहता है कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना। अगर ईद के दिन रोजा रखेंगे तो आपको सवाब मिलने की बजाय गुनाह मिलेगा। और दिनों भूखा रहना इबादत है, आज खाना इबादत है। और दिनों प्यासा रहना इबादत है, आज पीना इबादत है। आप तवज्जो करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज के दिन छूट अता की है, आज के दिन को खुशियों का दिन करार दिया है। लेकिन खुशी में कोई अपनी हद को पार ना करे। इस्लाम ने हर चीज़ एतदाल से अता की है। एक ईद है हमारी, आज उस ईद के मुतालिक बहुत मुख्तसर, ताकि हमें वक्त पर नमाज भी शुरू करना है, बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूँ कि नबवी ईद क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ईद मनाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत के मुताबिक कीमती कपड़ा पहना जाए। यानी ऐसा न हो कि आपकी इस्तिताअत है, बहुत अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो यूं ही फटे पुराने और धुले हुए कपड़े पहन कर आ जाए। नहीं, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो आप जो है वो अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, नए मैसर ना हो तब धुले हुए पहने, लेकिन कपड़े अच्छे पहने, इसलिए कि ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। अल्लाह अपनी दी हुई नेमत को तुम्हारे वजूद पर देखना चाहता है। लेकिन माअज़ल्लाह, अब ईद मुसलमानों की ऐसी होती जा रही है कि दूसरों के मजहबी त्योहारों में और मुसलमानों की ईद में अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हम ईद के दिन सिर्फ एक काम करते हैं जो सुन्नत है, जिसे दुगाना कहते हैं, नमाज ईद कहते हैं। और जैसे ही ईदगाह को हम पार करते हैं, फिर हम अपनी हदों को तोड़ देते हैं। अगर हमारे सरों पर टोपी ना हो, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां ना हो, तो कोई महसूस भी ना करे कि ये मुसलमान है या नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम ने महीने भर तक के रोजे रखे, जिस कौम ने महीने भर तक के तरावी पढ़ी, जिस कौम ने महीने भर तक के रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश की, अगर फिर उसी कौम से ईद के बाद सिनेमा घर पुर हो जाएं, तो फिर रोजे किस चीज का नाम है? रोजा तो नाम है लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिबास भी वजूद पर इस्लामी नहीं, सर भी अब लोग बनाते हैं और हजामत भी करवाते हैं, तो इस्लामी तर्ज के मुताबिक नहीं।